नमस्कार, मैं संगीता अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम महाराष्ट्र की फेमस मिठाई चिरोटे बनाते हैं। चिरोटे दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक चाशनी वाले एक बिना चाशनी वाले। हम यहाँ पर दोनों तरीके के चिरोटे बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत है 100 ग्राम मैदा की, 25 ग्राम सूजी की, 50 ग्राम घी की, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की, कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी की, बारीक पिसी हुई हरी इलायची की, बारीक कटे हुए हरे पिस्ते की। अगर आप चाशनी वाले चिरोटे बनाते हैं तो उसके लिए चीनी की जरूरत पड़ेगी, और बिना चाशनी वाले चिरोटे बनाते हैं तो उसके लिए पिसी हुई चीनी की जरूरत पड़ेगी। अब हम सबसे पहले एक बर्तन में मैदा डालते हैं, इसमें सूजी मिलाते हैं, अब हम इसमें घी मिलाते हैं। हमने 4 चम्मच घी लिया है, इसको खूब अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसे गुनगुने पानी से मलते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा डालें। इतनी मैदा मलने में हमारा 3 बड़े चम्मच पानी लगा है। मैदा को अच्छे से चिकना करके मल लें। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर में देसी घी मिलाते हैं और इसको अच्छे से फेंटते हैं। हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 ही चम्मच इसमें देसी घी मिलाया है। हमने इसे करीबन 5 मिनट फेटा है। अब हमारा कॉर्नफ्लोर का पेस्ट तैयार है। अब हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को दोबारा से चिकना करते हैं। हमारी मैदा चिकनी हो चुकी है, अब हम इसको रोल करते हैं। अब हम इसकी लोइयां तोड़ते हैं। ये हमारी 6 लोइयां बनी हैं। अब हम इनको चिकना करते हैं। हमने सभी लोइयों को चिकना कर लिया है, अब हम इनको बेलते हैं। इसको हमें पतला बेलना है। इसी तरीके से हम दूसरी लोई बेलते हैं। पूरियां एक बराबर बनाएं। अब हम तीसरी पूरी बेलते हैं। अब हमने तीनों पूरियां एक बराबर की बेल ली हैं। अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और घी का पेस्ट लगाते हैं। सब तरफ को पेस्ट लगा लें। अब हम इसके ऊपर दूसरी पूरी को चिपकाते हैं। अब हम फिर से पेस्ट लगाते हैं। अब हम इसके ऊपर तीसरी पूरी चिपकाते हैं और इसके ऊपर भी कॉर्नफ्लोर का पेस्ट लगाते हैं। हमने तीनों पूरियों के ऊपर पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से। अब हम इसको हल्के हाथ से
इस तरीके से रोल कर लेते हैं। अब हम इसे चाकू से काटते हैं। हमने सारे पीस काट लिए हैं, अब हम इनको बेलेंगे। अब हम एक लोई को लेते हैं और उसे इस तरीके से दबाना है, टेढ़ा करके इस उंगली से, इधर किनारे से, इस तरीके से। तो इसकी ये लेयर दिखेंगी। अब हम इसको बेलते हैं, इसे ज्यादा लंबा नहीं बेलना। अब हम एक लोई और लेते हैं और उसे फिर से इसी तरीके से दबाते हैं, इधर उंगली रख करके इस तरीके से दबाना है ये वाला हिस्सा। तो ये फिर बाद में आगे का दबाना है और इसे हल्का सा ऐसे बेलते हैं। हमने सभी लोइयां बेल ली हैं, अब हम इन्हें तलेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें चिरोटे तलते हैं। इन्हें मीडियम आंच पर तलना है। इन्हें हमें सुनहरा होने तक तलना है। अब ये सुनहरे हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकालते हैं और इसी तरीके से सभी चिरोटों को तल लेते हैं। अब हम सबसे पहले बिना चाशनी वाले चिरोटे तैयार करते हैं। अब हम चिरोटों के ऊपर पिसी हुई चीनी डालते हैं। चिरोटे गर्म ही होने चाहिए, इसमें अलट पलट करके पिसी हुई चीनी डालनी है। अब हम इसके ऊपर पिसी इलायची डालते हैं, बारीक कटा हुआ पिस्ता डालते हैं। हमारे बिना चाशनी वाले चिरोटे तैयार हैं। अब हम चाशनी वाले चिरोटों के लिए चाशनी बनाते हैं। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी डालते हैं। हमने एक कटोरी चीनी ली है और उसमें आधा कटोरी पानी डालते हैं। हमें चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाना है। हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसे चेक करते हैं। हमारी चाशनी तैयार है। अब हम चाशनी के अंदर इलायची डालते हैं और इसको मिलाते हैं। अब हम चाशनी में चिरोटा डालते हैं और इसके ऊपर चाशनी डालते हैं, अच्छे तरीके से मिला करके। अब हम चिरोटे को चाशनी में से निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सभी चिरोटों को चाशनी चढ़ा लेते हैं। हमने सभी चिरोटों पर चाशनी चढ़ा ली है, अब हम इसके ऊपर हरा पिस्ता छिड़कते हैं। हमारे चाशनी वाले और बिना चाशनी वाले दोनों तरीके के चिरोटे तैयार हैं। लीजिए, हमारे चिरोटे तैयार हैं। ये आपको कैसे लगे ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।